रामटेक में दिन ब दिन अवैध देह व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। लॉज और होटल के व्यवसाय के आड़ में देह व्यापार का धंधा पनप रहा है, जिसे देखते हुए रामटेक पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। देश के विभिन्न हिस्सों से भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छे आवास और आसानी से उपलब्ध शराब और अन्य नशीले पदार्थों के लिए बड़ी संख्या में लॉजिंग, बोर्डिंग, बार और रेस्टोरेंट देखने को रामटेक में मिल सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में उसी लॉजिंग बोर्ड का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति, क्रिकेट सट्टेबाजी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि रामटेक को अब वेश्यावृत्ति के केंद्र के रूप में जाना जाने लगा है। इसलिए नागपुर और अन्य शहरों से बड़ी संख्या में वेश्याओं को गैर कृत्य के लिए बुलाया जाता है और इसलिए खट्टे प्रेमियों का रामटेक के प्रति आकर्षण देखा जाता है। प्रेमियों के लिए रामटेक एक वरदान है, क्योंकि कम कीमत पर आवास और होटल आसानी से उपलब्ध है। इसका नतीजा यह है कि रामटेक के साथ साथ अन्य पुलिस थानों के अंतर्गत बड़ी संख्या में बलात्कार जैसे अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। घटनाओं का स्थान रामटेक में लॉज और होटल के रूप में दिखाया गया है। नए पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद एवं उप विभागीय पुलिस अधिकारी आशित कामले ने कमान संभालते ही देह व्यापार के धंधे पर नकेल कसते हुए वेश्याओं की कमर टूट गई है। पुलिस अधीक्षक विशाल शिंगोरी और उप विभागीय पुलिस अधिकारी रामटेक आशित कामले के मार्गदर्शन में रामटेक पुलिस ने शाम को रामटेक के रसोई, लॉजिंग, बोर्डिंग में वेश्यावृत्ति के धंधे पर छापा मारा और धंधा करने वाली कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया, साथ ही दोपहियों को गिरफ्तार किया है। अश्विन नरेंद्र ओके भंडारा निवासी, साथ ही सचिन ईश्वर वैद्य रामटेक जिला नागपुर निवासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाने में मामला दर्ज कर उन दोनों को भी आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह की कार्रवाई बार बार किए जाने की जरूरत है और नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक, उप विभागीय पुलिस अधिकारी रामटेक और रामटेक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्टि व्यक्त की है। केसरी उजाला न्यूज़ के लिए रामटेक से रितेश बिरनवार की रिपोर्ट।